ए हे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है। आपको हबीबी से मिलवाते हैं। ए हबीबी, सब बैठे हैं और दादी कह रही हैं। दादी अम्मा ये बोलो इसे सब्सक्राइब करो चैनल को। है? चैनल को सब्सक्राइब करो। हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो गाइस आज का बहुत खास दिन है, आज बहुत स्पेशल दिन है, क्योंकि गाइस आज मैं जा रहा हूं उमरा करने सऊदी अरब। और ये गाइस ये देखो मेरे दोस्त हैं, ये रहे समीर भाई, ये रहे अफसान भाई, और ये रहे हमारे रोहन भाई, कार लेकर आई है हमारे भाई हैं अपने, और ये रहे अजीम भाई। गाइस जा रहे हैं हम, और फ्लाइट का एक्सपीरियंस बताऊंगा आपको कैसा रहेगा पूरा, क्योंकि मैं तो फर्स्ट टाइम बैठूंगा ना, इसलिए गाइस। और अल्लाह ताला हमारे भाई साहब का सफर अच्छा बनाए और इन्हें तरक्की उम्रा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया मोइन भाई, अल्लाह आपकी दुआ सारी कबूल फरमाए। मेरा भाई जा रहा है उम्रा करने, अल्लाह इसका उम्रा कबूल फरमाए। और भाई आप सब लोग दुआ करना भाई की सेफ जर्नी हो। ठीक है भाई, थैंक यू। थोड़ी देर में मिलते हैं। सो फाइनली गाइस हम आ चुके थे एयरपोर्ट पर। ये देखो हमारे रोहन भाई ये खड़े हैं। रोहन भाई कहाँ गए हम? एयरपोर्ट चल रहे हो क्या? चल रहे हो? नहीं आप जाइए। ये सब हमारे ये गाइस ये पापा हैं, सब फैमिली वगैरह सब जा रहे हैं, चाचा हमारे। और अभी हम अंदर एंट्री करेंगे, इधर जाएंगे गाइस, और आके बाद में मिलते हैं, थोड़ी बहुत देर में मिलते हैं आपसे गाइस अंदर एंट्री करने। फाइनली गाइज हम आ चुके थे अंदर और हमारी एंट्री हो चुकी थी। है रियान भाई, कहाँ है रियान भाई को दिखाते हैं। रियान भाई ये देखो, ये हमारे रियान भाई हैं। कहाँ जा रहे हैं रियान भाई? सऊदी। क्या करना है? मिलने डैडी से मिलने और उमरा करने जा रहे हैं गाइज। उमरा करेंगे अभी इंशाल्लाह, वहाँ पर जाएंगे सऊदी अरब, वहाँ से भाई वगैरह सब लेने के लिए आ जाएंगे हमको। और ये देखो कितना अच्छा है, शानदार है, बहुत अच्छा व्यू। बिग बॉस इधर बिग और होता ना तो बिग बॉस हो जाता, यहीं से एंट्री करते बिग बॉस की। अच्छा हमको सिखा रिया है। मैं आपको एक मैडम से मिलाता हूँ, ये प्लीज गिव मी योर दिखाना। ये मैडम जो है ये जा रही है कहाँ? अपने हस्बैंड से मिलने के लिए। कितनी बेताब हो बताइए जरा भाभी, प्लीज बताना कितनी बेताब हो। ए हे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है। बहुत बेताब हो, इनके हाथ भी कब कपा रहे हैं, इतनी बेताब है। अब बताओ बहुत मस्ती जा रही है। गाइस फाइनली हम आ चुके हैं, ये देखो ये खड़ी है हमारी फ्लाइट, इधर ये एरोप्लेन है, ये इधर खड़ा है, ये इसके अंदर जाएंगे हम और बैठेंगे। और गाइस ये देखो अभी जा रहे हैं हम नीचे, जाएंगे हमारा ये सब हो चुका है, बोर्डिंग पास वगैरह सब अंदर एंट्री हो चुकी है, और अभी जाएंगे इधर की साइड में, और अभी चलते हैं गाइस और देखते हैं किधर है अपनी सीट, किधर नहीं है, वहाँ पर बैठेंगे जाकर। और बहुत एक्साइटमेंट है गाइस एरोप्लेन में बैठने की, क्योंकि फर्स्ट टाइम एरोप्लेन में बैठूंगा मैं, तो देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहेगा, कैसा रहेगा कैसा नहीं, सब चीज़ देखते हैं गाइस। सो फाइनली हमारी फ्लाइट उठ चुकी है, और ये देखो ये हम आसमान में बादलों में बादलों की शहर कर रहे हैं गाइस, बादलों की शहर, बादलों के राजा हो चुके हैं हम। ये देखो हमारी फ्लाइट, ये रही अंदर बैठ चुके हैं, और ये हमारी दादी हैं। और अम्मा पहली बार बैठी हो, कैसा लग रहा है? पहली बार बैठी हूं, अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है ना, मजा आ रहा? हां बढ़िया। कहां जा रही हो? उमरा करना। सऊदी उमरा करने जा रही है दादी मेरी, सऊदी अरब। सब जा रहे हैं विद फैमिली जा रहे हैं गाइस वैसे तो। और ये देखो हमारी अम्मा का देसी जुगाड़, चूरन चूरन खा रही है, चूरन खा रही है अम्मा हमारी, चूरन निकाल चुकी, चूरन खा रही है। और ये देखो सामने का व्यू गाइस, ये देखो बढ़िया लग रहा है, मजा आ रही है, वो कप है। और पीछे हमारे रियान भाई बैठे हैं हमारे, और दादी वादी बैठी हैं, और सब बैठे हैं अभी आगे पीछे, और फ्लाइट भी काफ़ी सब बैठे हैं। दादी कह रही हैं, दादी अम्मा ये बोलो इसे सब्सक्राइब करो चैनल को। चैनल को सब्सक्राइब करो।
चैनल को सब्सक्राइब करो। चलो कोई बात नहीं यार, ये कहना मैं कहता हूँ वीडियो लोग अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना भाई, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट दिखाना अपना। पहले ब्लॉग पर भी अच्छा सपोर्ट दिखाया आपने, 28 के व्यू चले गए उसमें, इसमें ज्यादा व्यू दिखाना भाई। मैं अभी उठ गया था ये नहीं वो मिलता था ये खाना ना उल्टे ना खाना वाला भी आएगा, ऑर्डर करेंगे ना जब आएगा। सऊदी अरब एयरपोर्ट पर कहाँ चुके रियान भाई? कौन इंतजार कर रिया है रियान का? रियान के डैडी इंतजार कर रहे हैं रियान का। और ये देखो इधर का एयरपोर्ट एरिया, वो खड़े हैं भी। ये आ चुके हैं हम सऊदी अरब एयरपोर्ट पर, उतर चुके हैं, हमारी फ्लाइट लैंड हो चुकी है और अब जा रहे हैं हम बाहर की तरफ। अब यहाँ से बाहर जाएंगे। फाइनली गाइस हम आ चुके थे बाहर की साइड और ये खड़े हमारे इधर लेने के लिए आए नाजिम भाई हमारे और मुस्लिम भाई है ये रहे हमारे। और ये रहे अस्सलाम वालेकुम, ये खड़े हैं और ये रहे ये गए, ये उधर गए हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये बस यही आया अभी फिलहाल तो, ये सब मिलना है इधर मिला हो रहा है इनका। ये रहे इनके वाइफ है इधर, ये और चलते हैं इधर। सब फाइनली हम आ चुके थे अपने शॉप पर, ये हमारी शॉप है इधर की साइड में, बैक साइड में जो हमारे ये पीछे शॉप है हमारी। और मतलब कि वहाँ से आने के बाद एकदम ही थकान इतनी हो चुकी थी ना, बहुत ज़्यादा थकान हो चुकी थी तो सो गए थे, सोने के बाद पता नहीं चला कहाँ है कहाँ नहीं। तो अभी उठे हैं, अभी आए हैं यहाँ पर शॉप पर। और ये हमारे आर्यन भाई हैं। आर्यन भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? सब ठीक है? बिल्कुल बढ़िया, सब बढ़िया है, अच्छी बात है माशाल्लाह। और गाइस ये देखो यहाँ का व्यू कितना शानदार व्यू है, छाया की लोकेशन बहुत अच्छी है। ये देखो मतलब गाड़ियों का ऐसा सीन है यहाँ पे कि चलती रहती है, पता ही नहीं मतलब कि पानी की तरह। ऐसा अपने इंडिया में तो इधर से आ गई ऐसा कुछ नहीं है, तो सीधा रोड है एकदम चलती रहती है, यहाँ तो पता ही नहीं चलता कि गाड़ी चल भी रही है ना चल रही है। लेकिन गाड़ी बहुत तेज़ भगाते हैं यहाँ पे, ये बात तो है, गाड़ी बहुत स्पीड में चलती है। और बाकी यहाँ का रोड वोड बहुत अच्छे हैं और लोकेशन भी बहुत अच्छी है। सामने पेट्रोल पम्प है, इधर रोड है ये सब, और ये हमारी शॉप है। ये रे अंदर की साइड काम वाम कर रहे हैं सब। और ये रे पापा हमारे, आर्यन भाई बैठे हैं ये सब। और बस इतना ही है अभी तो, और बाकी बताते हैं बाद में थोड़ा सा। फाइनली गाइस हमारा हो चुका है, फेस वगैरह धुल चुका है, सब चीज़ हो चुका है। और बताओ लुक कैसा लग रहा है तुम्हारे भाई का? ये भाई ने किया है, ये भाई खड़े हमारे अजल भाई, अजल भाई ने सेट किया है भाई का। और चश्मा लगा लेता हूँ, जब बताना कैसे लगा। अब बताओ भाई तुम्हारा भाई कैसे लग रहा है? अरे बढ़िया, तो फोटो बढ़िया लगूंगा ना, ये भी कोई पूछने वाली बात थोड़ी ना है। और बैठेंगे हम, ये देखो हमारा बैठने वाला सिस्टम, ये टीवी वगैरह लगी हुई है, सब चीज़ यहाँ से जो भी देखना हो सब कुछ देख सकते हो। और बाकी बढ़िया लग रहा हूँ गाइस, और कमेंट करके बताना कैसा लग रहा हूँ, कैसा नहीं लग रहा हूँ, सब चीज़ शेयर करूँगा। जितने दिन रहूँगा ना यहाँ पे सब चीज़ शेयर करूँगा, सब चीज़ A to Z सब चीज़ शेयर करूँगा यहाँ पे, सब चीज़ बताऊँगा कि कैसे कैसे क्या क्या होता है, क्या नहीं है, कैसे यहाँ का मौसम वगैरह, सब चीज़ A to Z सब बताऊँगा। जो जो मुझे पता होगा वो तो बताऊँगा आपको। और गाइस एक रह गया फ्लाइट का बताया था ना मैंने, फ्लाइट का मैं बता नहीं पाया तुम्हें, अब बताता हूँ तुम्हें फ्लाइट का क्या सीन है। फ्लाइट में बैठ गए, एक तो फ्लाइट में ये गंदा सीन है कि आधे घंटे पहले कह देते हैं सीट बेल्ट लगा लो, एरोप्लेन चलता रहेगा, उड़ेगा बाद में, आधे घंटे पहले कह देंगे सीट बेल्ट लगा लो,
ये कर लो वो कर लो बकवास चीज़ें, और आधे उतरने से पहले ही लैंड होने से पहले भी यही बोलेंगे कि आधे घंटे पहले सीट बेल्ट लगा लो, उसे लगा के रखो, पेट और दर्द करने लगता है इतनी सारी से बकवास दिमाग खराब। 10 मिनट पहले बोल दो, 5 मिनट पहले बोल दो ठीक है, लेकिन आधे घंटे पहले कौन बोलता है, पता नहीं क्या सीन है एरोप्लेन का। और ऐसे चल रहा है लोग यार, बस में बैठे हूँ, बस चल रही है हमारी, ऐसे लग रहा था एरोप्लेन में बैठे, इतनी गंदी थकान हो गई। और एयर होस्टेड तो बकवास नहीं, कोई तमीज़ की थे नहीं, पता नहीं कहाँ से ढूंढ के लगाए थे हमारे एयरस्टेड को। और ये देखो हमारे आर्यन भाई आ चुके हैं, आर्यन भाई आ गए, कर ली कटिंग वटिंग सब, चलो भाई। सो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, आज डे सेकंड है हमारा, और हम चुके थे फ्रेश वगैरह हुए थे, अभी सुबह हो रही है यहाँ पे। और ये हमारे नाजिम भाई, हम नाश्ता वगैरह लेने के लिए आए थे यहाँ से, ये मॉल है इधर की साइड, अभी दिखाऊंगा अंदर जाएंगे ना, जब दिखाऊंगा वहाँ पर जाएंगे और कुछ सामान वगैरह लेंगे नाश्ते का। और नाजिम भाई सुनाना भाई, और कुछ बताओ यहाँ के बारे में यार, हमें तो पता भी नहीं यहाँ के बारे में, बताएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। जी हाँ, टाइम ही टाइम है हमारे पास, तुम बताओ फिर अभी तो। ठीक है, तो कोई घुमाएं जब चलेंगे ना, ये बताएंगे सारी कहानी वहाँ पे, और यहाँ पर रास्ते में बताते हुए अच्छा लगता है ना। और जी हाँ, एक्सप्लेन करोगे सबके साथ में जब चीज़ सामने होगी तो, फोकस तो सामने वाली चीज़ पे होना चाहिए ना। चलो, और ये देखो गाइस यहाँ पे ये मॉल है इधर की साइड में, और ये डोमिनोज वगैरह और काफ़ी सारी चीज़ है इधर की साइड, ये रही काफ़ी अच्छा। सो फाइनली हम आ चुके थे मॉल के अंदर, ये देखो मार्केट है यहाँ से, कुछ भी सामान लो और ट्रॉली में रख लो, ये ट्रॉली है, ये सामान यहाँ से कुछ भी ले सकते हो, और इस ट्रॉली में रखो और फिर वहाँ पे जाके दिखाओ सब, पे वे करो फिर। अच्छा, हमको सिखा दिया है ये रसीन, ये हमारे नाजिम भाई हैं, ये ट्रॉली को लेके घूम रहे हैं इधर उधर, कहाँ जाना है कहाँ नहीं। नाजिम भाई कहाँ मिलेगा सामान, ये मार्केट बहुत अच्छी है इधर का, तो बहुत अच्छा व्यू, बहुत शानदार व्यू है भाई। अंडा भी यहाँ से, ये एग लेंगे ये। ये नाजिम भाई ने कुछ पूछा इनसे, इन्होंने पता नहीं कौन सी लैंग्वेज में बोला, हमें पता भी नहीं चला, बट कोई बात नहीं। ये देखो यहाँ से लो और यहाँ से कर दो, आया ब्रेड लेंगे, ब्रेड लेंगे यहाँ से, बहुत अच्छी मार्केट है इधर की तो यार, अच्छा लग रहा है काफ़ी। जैसे मूवी वगैरह मैंने दिखाते सेम वही सीन है, सेम वही मार्केट है यहाँ की, जैसे मूवी वगैरह में दिखाते हैं वही सेम सीन है इधर का, काफ़ी अच्छा है। ये देखो अभी जैसे ब्रेड वगैरह लेंगे यहाँ से, ये रहे ब्रेड वगैरह है, ये हमारी ट्रॉली है, और ट्रॉली में हम शे सामान वगैरह लेंगे, और कुछ दूध भी लेंगे, दूध भी लेंगे यहाँ से। चलो और देखो गाइस यहाँ का व्यू कितना शानदार है, बहुत अच्छी मार्केट इधर की है। ओके चलो सामान वगैरह ले लेते हैं, अब मिलते हैं थोड़ी देर में आपसे नाश्ता करने के बाद। अब रात में मिल रहे हैं हम, थोड़ा सा मतलब कि सो गए थे, और सोने के बाद कुछ पता नहीं चला, और मतलब कि ऐसे रूम में कुछ खास हुआ भी नहीं जो आप सबको बताते या दिखाते, लेकिन यहाँ पर कुछ खास हुआ है। हम आपको हबीबी से मिलवाते हैं, ए हबीबी केवल हाँ क्या हाल है आपके, ठीक हो आप? ओह माय गॉड, कैसे लग रहे हो अभी भी आप? कुछ बोलो तो सही, हबीबी कुछ बोलो। तुम सोने जाती? ओह तुम सोने जाती, हबीबी हमारी सोने जाती, ये हबीबी अच्छा लगता है तुमको? ए हबीबी कुछ तो बोलो, कुछ बोलो हबीबी, क्या हुआ बोलो भाई हबीबी, क्या हो कह रहे हो तुम, कुछ कर रहे हो, बोलना है या नहीं बोलना है, या फिर बंद कर दो कैमरा, बंद कर दे। अरे यार हबीबी तुम तो इतनी अच्छी लगती, फिर भी ये कहती बंद कर दो, ये क्या कहती तुम, गलत बात होती ना हबीबी। ये हमारे रियान भाई है, रियान भाई हबीबी बन चुके हैं, अब इनको हम यहीं छोड़ देंगे हैं रियान भाई, हाँ। यहीं छोड़ दें तो हबीबी के दौरे, चलो हबीबी के दौरे छोड़ देंगे हम रियान भाई को। रियान भाई ने
ये हबीबी वाला कुर्ता पजामा दिया है, पता नहीं कुर्ता कुर्ता है पजामा, पता नहीं क्या बोलते हैं यहाँ की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं पता नहीं, जो भी है लेकिन रियान भाई अच्छा लग रहा है ये हबीबी। अब हबीबी तुम दोस्तों से बात करती जाके ठीक है। चलो गाइस हम शॉप पर आए थे और शॉप आने के बाद ही हमारे रियान भाई हैं, रियान भाई ने ये सब लिया और हमने वही गेटअप है हमारा जो कल था, क्योंकि कहीं जाना नहीं हुआ कहीं कुछ नहीं तो घर पे रहते, तो हम ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, अब कल जाएंगे देखते हैं कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। चलो मिलते हैं थोड़ी देर।